हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलालता। देखिए, हमने आयतन प्रतिशत जो निर्भर इकाइयां थी वो सारी की सारी खत्म कर ली थी, और उसके बाद हमने द्रव्यमान प्रतिशत जो हमारी इकाई थी, द्रव्यमान पर निर्भर करने वाली इकाइयों में पहली इकाई द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बारे में भी पढ़ लिया था। और उसी के बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मोलालता। आपने इससे पहले मोलरता पढ़ा था, तो मोलरता और मोलालता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये होता है मोलैलिटी, इसको मोलैलिटी कहते हैं, उसको मोलैरिटी कहते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखिए क्या है मोलालता, परिभाषा सुन लीजिएगा मोलालता की। मोलालता की जो परिभाषा है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यानी 1 किलोग्राम, या हो सकता है कि 1 किलोग्राम की जगह पर 1000 ग्राम लिखा हुआ हो सकता है। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो डिफिनेशन आपको यह भी मिल सकती है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, यानी 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलालता कहते हैं। देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, मोलालता बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा कि विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या होगा, विलायक का भार किलोग्राम में। देखिए ये एकमात्र ऐसी इकाई है मोलालता जहां पर क्या है कि विलायक का भार आया है, यानी यहां पर किसकी आवश्यकता पड़ी है, विलायक। वरना अभी तक आपने जितनी भी इकाइयां पढ़ी सब में नीचे क्या आ रहा था, विलयन आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा मोलालता में क्या होता है, विलायक होता है, विलयन नहीं होता है। और रखना क्या होता है कि विलायक का भार किलोग्राम में रखना होता है, ये भी आप ध्यान कर लीजिएगा। देखिए यहां पर हो सकता है कि किलोग्राम मान लिया ऐसे ना लिखा हुआ हो, तो यहां पर मान लिया ग्राम में क्वांटिटी को दी दी जाती है, तो उसको क्या करते हैं 1000 से भाग कर लेते, तो वो किलोग्राम में बदल जाता है। तो वही 1000 जो है आपका वो यहां पर लिखा होता है, और मल्टीप्लाई में कभी कभी ऊपर की ओर लिखा हुआ होता है। तो ये है मोलालता, बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपने बताया था कि मोल क्या होता है, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये फार्मूला आपका मोल का होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, भार को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, तो यहां पर हो गया स्मॉल डब्ल्यू। अणुभार को लिखते हैं स्मॉल m से, तो यहां पर हो गया स्मॉल m। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहें मोल की जगह पर हमें क्या लिखना है, देखिए मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, तो जहां पर मोलों की संख्या लिखा है यानी मोल जहां पर है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, भार बटे अणुभार, ये लिख सकते हैं ना। तो किसका भार बटे अणुभार होगा, तो विलेय का भार बटे अणुभार। या इंग्लिश में लिखना चाहें फॉर्मूले को, तो मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से, भार को लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, अणुभार को लिखते हैं स्मॉल एम से। तो इंग्लिश में भी फॉर्मूला रख करके आप इंग्लिश का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं एक लाइन। अब मोल की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, मोल की जगह पर लिख दूंगा मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा, फॉर्मूला आगे बढ़ जाएगा एक स्टेप। तो देखिएगा ये हो जाएगा विलेय का भार अपॉन अणु भार, यानी ये हो जाएगा विलेय का भार बटे अणुभार। ये विलेय का ही अणुभार होगा, ध्यान रखिएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। और नीचे क्या हो जाएगा, विलायक का भार, यानी विलायक का भार किसमें रखना है आपको, किलोग्राम में रखना है, ये विलायक है। तो देखिए मोल की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, भार बटे अणुभार, ये रख दिया यहां पर। तो फॉर्मूला बन गया विलेय का भार बटे अणुभार अपॉन क्या है, विलायक का भार किलोग्राम में। सवाल आप चाहे जिससे लगाइए चाहे इस फॉर्मूले से, तो आपको मोल पहले कैलकुलेट करके सीधे यहां रखना होगा, इसका यूज करेंगे तो आपको सीधे पर यहां पर भार और अणुभार निकल करके रखना होगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों तरीके से बिल्कुल सही आएगा। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, मोलालता का, यानी मोलालता बराबर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला मोलालता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे अणुभार, विलायक का भार किलोग्राम में। अब देखिए कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाता, मान लिया कोई क्वांटिटी सवाल में दे दी जाती है या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही पूछ लिया जाता है कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनता है कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है,
तो सवाल में चार ऑप्शन दे दिए थे, मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो विलायक का भार है वो इसमें यूज किया जाता है, यानी इसकी डिफिनेशन क्या है कि एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं, और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता जो थी उसको कैपिटल एम से लिखते थे, और मोललता जो होती है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या बनेगा, तो मात्रक बन जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, है ना। तो यहां पर आप मात्रक भी इसका लिख सकते हैं, मात्रक क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला हिंदी में हो गया, अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहे, लिखना चाहे, तो मैं उसको भी लिख देता हूं। तो इसको आप ध्यान होगा आपको, या इसको लिख लीजिएगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये होगा, देखिए मोललता को लिखते हैं स्मॉल एम से, मोललता को हम लिख लेते हैं स्मॉल एम से। देखिए फार्मूला मैं इंग्लिश में चेंज करने जा रहा हूं, तो विलेय का भार क्या है स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। ये अपॉन का सिंबल है, ये अपॉन का सिंबल है। उसके बाद विलेय के अणुभार को स्मॉल एम से लिखते हैं, तो ये स्मॉल एम कर लिया। विलायक का भार, तो विलायक कौन होता है, देखिए विलायक के तौर पर सवाल में आपको दिया जाए या ना दिया जाए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि विलायक का काम कौन करता है, जल करता है, वाटर करता है। और पहले ही वीडियो में जब चैप्टर मैंने शुरू किया था तो बताया था आपको कि विलायक का काम जल ही क्यों करता है, क्योंकि जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, अधिकांश चीजों को घोलने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए यहां पर विलायक के तौर पर या सवाल में कभी भी आपको रखना होगा तो विलायक के तौर पर हमेशा कौन आएगा, वाटर आएगा, जल आएगा। तो ये हो गया। अब विलायक के भार को हम लिख लेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, ये हो गया। उसके बाद इसको रखना किसमें है आपको, तो ये किलोग्राम में रखना होता है। तो इस तरीके से ये आपका फार्मूला कन्वर्ट हो गया, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, यानी ये फार्मूला अब आपका क्या है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप चाहे इसका यूज कर लीजिए, चाहे हिंदी में आप यूज कर लीजिए, दोनों तरीके से लगाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये होती है हमारी मोललता और मोललता का फार्मूला। मात्रक भी आपको लिख करके बता देता हूं, मात्रक क्या बनेगा इसका, तो मोल प्रति किलोग्राम। तो मात्रक लिखना चाहे चाहे यही लिख लीजिए, मात्रक बनेगा मोल प्रति किलोग्राम, ये मात्रक बनेगा। यहां इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा मोल पर केजी, इंग्लिश में आपका ऐसे बन जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, या किलोग्राम ऊपर चला जाए तो ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर मोल लिखा हुआ हो और यहां पर क्या है किलोग्राम इनवर्स, तो मोल किलोग्राम इनवर्स आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने आपको मोललता का फार्मूला बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो चलिए देखें, मैंने क्वेश्चन ले लिया है मोललता पर, यानी जिसकी डिफिनेशन हमने पढ़ी है उसी पर मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है। तो यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना, नमूना का मतलब है कोई विलयन बनाया गया होगा, है ना। तो एक नमूना है जिसमें 94% यानी 94% वेट बाई वॉल्यूम, ये वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, तो वेट बाई वॉल्यूम होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मैंने शुरुआत में ही आपको आयतन निर्भर जब इकाइयां पढ़ाई थी तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको आयतन प्रतिशत, उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, है ना, 94% वेट बाय वॉल्यूम है। और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि 94% वेट बाई वॉल्यूम, ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में दिया गया है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम चालू कहां से करेंगे, तो आपको ये जो दिया है 94% वेट बाई वॉल्यूम, आपका सारा कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होगा। ये 94% वेट बाई वॉल्यूम का अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है कि 94% वेट बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है। हालांकि मैंने जब ये आपको वीडियो बनाया था, जब इस पर मैंने लेक्चर लिया था, तो मैं बिल्कुल डिटेल में समझाया था, आप वहां भी और समझ सकते हैं, वैसे मैं आपको यहां पर भी बता दूंगा। तो 94% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब ये होता है कि V फॉर क्या होगा, वॉल्यूम में आयतन, और ऊपर क्या होगा, वेट यानी भार, यानी यहां पर परिभाषा जो बनेगी कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, है ना, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा या ग्राम में संख्या या ग्राम में भार या ग्राम में द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता
है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका 100 मिलीलीटर का विलयन होगा और 94 ग्राम उसमें कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। तो यहां मैं पूरी बात लिख देता हूं, सॉल्यूशन में मैंने कर दिया। तो सबसे पहले हम इसी बात को लिख देते हैं कि ये 94% 94% वेट बाई वॉल्यूम यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, 94% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का अर्थ है कि, का अर्थ है कि इसका मतलब क्या होगा, पहले आपको यही समझ में आना हो चाहिए तभी आप इसको कैलकुलेशन कर पाएंगे, नथा नहीं कर पाएंगे। तो का अर्थ है कि इसका क्या मतलब होगा कि 100 मिलीलीटर का जो विलयन है उसमें 94 ग्राम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो 94% वेट बाई वॉल्यूम सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया ना, इसको भी लिख लेते हैं जरा सा, H2SO4। H2SO4 का अर्थ है कि, अर्थ है कि क्या अर्थ होगा इसका कि 100 मिलीलीटर का आपका क्या है विलयन है, टोटल विलयन कितना है 100 ml का, अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर का जो टोटल विलयन होगा, भाई आयतन के लिए भी आया है तो 100 मिलीलीटर का विलयन होगा और उसमें ये 94 ग्राम क्वांटिटी किसकी है, सल्फ्यूरिक एसिड की, विलयन में 94 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी 94 ग्राम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है, आप ये भी इसको लिख सकते हैं। देखिए हर सवाल में मैं आपको ऐसे लिख करके नहीं बताऊंगा, ये आपको समझने के लिए मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया, आप इसके जैसे और क्वेश्चन मिले तो आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो 94% वेट बाई वॉल्यूम सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर का विलयन होगा और उसमें क्या है कि ये जो क्वांटिटी लिखी है ये किसकी क्वांटिटी होती है, तो ये जो यहाँ पर कंपाउंड आपको दिया जाएगा जो भी होगा, मान लो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है, कहीं एथिल अल्कोहल, कहीं एसीटोन, कोई भी यौगिक आपको दिया जाए कंपाउंड, वो उसी की क्वांटिटी होगी। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो विलयन में 94 ग्राम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये हो गया आपका विलयन कितना है 100 मिलीलीटर का विलयन है, तो विलय आपका कितना है 94 ग्राम, यानी विलयन हो गया 100 ml और विलय आपका क्या हो गया 94 ग्राम। अब क्या करना होगा, तो यहां से मुझे विलय की मात्रा पता चल गई, यानी विलय का द्रव्यमान कितना है 94 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का और ये कितना है 100 ml है। अब इसके बाद हमें करना क्या होगा, तो हमें करना ये होगा कि यहां से हम क्या करेंगे, इसका घनत्व देखिए सवाल में दिया है, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व कितना है 1.84 दिया गया है, 1.84 है। तो करेंगे क्या, हम यहां से पहले इसका आयतन जो द्रव्यमान है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो फार्मूले को हम जरा देख लेते हैं एक बार, हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये पूरा फार्मूला होता है आपका, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है ना। अब क्या करेंगे हम यहां पर कि हम इसका यहां से द्रव्यमान निकाल लेंगे कितना होगा, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या होगा, घनत्व गुणे आयतन होगा, आयतन कितना है 100 मिलीलीटर है, विलयन का आयतन है ना, और ये द्रव्यमान भी किसका निकलेगा, विलयन का निकलेगा। तो यहां पर कर लेते इसको, हमें क्या करना है कि द्रव्यमान निकालना है, तो चेंज कर लेते हैं एक्सचेंज फार्मूले को, तो लिख लेंगे हम विलयन का द्रव्यमान, यानी विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलयन का आयतन गुणे घनत्व, तो ये बन जाएगा विलयन का आयतन, द्रव्यमान निकालना है आयतन क्या करेगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो विलयन का आयतन गुणे ये हो जाएगा घनत्व। अब आपको आयतन कितना दिया, आयतन सवाल में दिया है 100 मिलीलीटर का विलयन, यानी 100 क्वांटिटी इसकी है और घनत्व कितना है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर आपको दिया गया है। तो चलिए कर लेते हैं इसको, विलयन का आयतन हमारा कितना है, तो विलयन का जो आयतन है वो आपका कितना है 100 मिलीलीटर है, यानी ये 100 हो गया। घनत्व आपको कितना दिया गया है 1.84, यानी ये दिया गया आपको 1.84, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैं इधर ही लिख देता हूं, यहां पर जगह नहीं इसलिए इधर ही लिख देता हूं, ये कितना आएगा 184 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 184 आपका आ जाएगा, ये किसका होगा विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, 184 आपका क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या होगा कि विलयन का द्रव्यमान हमें मिल जाएगा 184 ग्राम। अब देखिए आपको क्या है कि हमें विलयन का द्रव्यमान मिल गया, तो जब विलयन का द्रव्यमान मिल गया तो मोललता का फॉर्मूला जरा याद करिए एक बार, विलय के मोलों की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में, तो विलायक देखिए भार और द्रव्यमान,
भार और द्रव्यमान यहाँ केमिस्ट्री में बहुत बड़ा अंतर नहीं लिया जाएगा। वैसे तो भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री में आपका भार और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं। चाहे आप भार की जगह द्रव्यमान लिख दीजिए या द्रव्यमान की जगह भार लिख दीजिए, दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विलयन का जो द्रव्यमान आ जाएगा वो कितना आएगा, 184 यानी 184 ग्राम आ गया। अब हमें करना क्या होगा, मोलरता का फॉर्मूले में हमें विलायक का भार रखना होता है, तो हमें विलयन का जो द्रव्यमान है 184 पता चल गया, और यहां से विलय का द्रव्यमान कितना है, 94 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, विलायक का निकालने के लिए 184 से 94 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना मिल जाएगा, तो ये हमें 90 मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर, क्योंकि मेरे में अब जगह है नहीं यहाँ सॉल्व करने के, तो मैं क्या करूंगा इसको मिटाल करके आगे सॉल्व करूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, अब मैं इसको मिटाल करके फिर आगे को सॉल्व कर देता हूं। हाँ, तो ये हो गया था हमारा, विलयन का द्रव्यमान हमने निकाल लिया, और विलय का द्रव्यमान भी आप पीछे भी देख लीजिएगा कितना हमारा आया था, 94 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक अम्ल था। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें विलायक का भार निकालना होगा। तो विलायक का भार करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा फॉर्मूला लिख देते पहले एक बार, कि विलयन का द्रव्यमान या भार, दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भार द्रव्यमान में यहां कोई अंतर नहीं लिया जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान आप लिख लीजिए, या विलयन का चलिए भार ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां द्रव्यमान लिखा था कोई गलत नहीं है ना, तो विलयन का द्रव्यमान या भार लिख देते हैं। तो हम भार को कर देते हैं कि विलयन का भार बराबर क्या होगा, विलय का भार प्लस विलायक का भार, यही होगा ना, विलय का भार प्लस विलायक का भार, यानी विलय का भार हो जाएगा, और प्लस में क्या कर देंगे, विलायक का भार, है ना। तो विलयन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलायक का भार, आपको निकालना किसका है, विलायक का भार चाहिए, क्योंकि मोललता के फार्मूले में विलायक का भार किलोग्राम में रखना होता है। तो यहां पर क्या करना होगा, विलायक का भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विलयन से विलय को माइनस कर देना होगा। यानी अब फार्मूला क्या बनेगा, तो ये फार्मूला जो बन जाएगा वो बनेगा विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, तो विलायक का भार इसको हम कैपिटल डब्ल्यू लिख देते हैं यहां पर। तो विलायक का भार क्या होगा, विलयन का भार माइनस विलय का भार, यानी विलयन का भार माइनस क्या होगा, विलय का भार, है ना। तो ये हो जाएगा विलय का भार। अब आपको विलयन का भार अभी मैंने निकाल कर दिखाया था, वैसे यहां पर नीचे लिखा हुआ है 184 ग्राम, है ना, 184 ग्राम आया है। तो विलयन का भार कितना है, 184 है, माइनस कितना करना, विलय का भार आप देख लीजिएगा 94% सल्फ्यूरिक एसिड था, तो 94% ये, तो यहां से ये माइनस कर देंगे कितना आएगा, 4 से 4 माइनस ये हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 90 आएगा। तो ये हो गया 90 किसमें आएगा, ग्राम में आएगा, लेकिन मोललता का जरा फॉर्मूला याद करिए, उसमें हमें रखना किसमें होता था, किलोग्राम में। तो क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो भाग करना होगा, तो यहां से हम कर लेते 1000 से इसको डिवाइड। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जीरो लगे हुए हैं, यानी दशमलव क्या होगा कि 3 संख्याओं के बाद लगेगा, तो 2 संख्याएं तो ऑलरेडी यहाँ दी गई है, तो एक क्या होगा, हमें 9 के आगे 1 जीरो और बढ़ाना होगा, या आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 0.90 आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीधे भाग कर लेते हैं, तो 0.0090 ये आएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 0.090 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा किलोग्राम में। अब हमें करना क्या है, कि जरा मोललता का फॉर्मूला ध्यान करिए, उसमें विलय का भार था, तो विलय का भार तो हमें पता 94 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन विलय का अणुभार, तो विलय के अणुभार को स्मॉल एम से लिखते हैं, और आपको विलय कौन सा दिया गया था, सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया था, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार कितना होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणुभार होता है वो होता है 98 यानी 98। कैसे होगा, तो मैंने बहुत कैलकुलेट करके हर सवालों में लगभग आपको बता रखा है, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार निकाल लीजिएगा, H2SO4 का 98 आ जाएगा, है ना। चलिए, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, क्या करना होगा हमें, तो हम निकाल कर ही बता देते हैं आपको कि जो हमारा विलय है उसका अणुभार क्या होगा। तो विलय है, विलय का अणुभार जरूरत पड़ेगी ना इसकी, विलय का अणुभार, और विलय के अणुभार को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, तो विलय का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए विलय कौन सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहां पर लिख लेते हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 है, कितने 2, तो 1 × 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, भार कितना होता है 32, तो ये 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, और है कितने 4, टोटल जोड़ लेंगे तो 98 मिल जाएगा आपको,
है ना, ये कैलकुलेशन यहाँ से कर लीजिएगा और भार आपको मिल जाएगा। अब सीधे मैं मोलरता का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मोलरता को लिखते हैं स्मॉल एम से, यानी मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम हो जाएगा, और नीचे क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू, जो कि आपको किसमें रखना होता है, किलोग्राम में रखना होता है। तो ये हो जाएगा विलेय का भार बटे अणु भार, और विलायक का भार किलोग्राम में वो भी कन्वर्ट हो गया है। सीधे आप इस फार्मूले में वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू कितना, तो विलेय का भार 94 ग्राम, सल्फ्यूरिक अम्ल विलेय था तो 94 ग्राम ये हो जाएगा। उसके बाद विलेय का अणुभार कितना आया, तो 98 आया है, ये 98 आया है। फिर आपको करना क्या होगा कि विलायक का भार आपको किसमें रखना है, तो किलोग्राम में रखना है। अब किलोग्राम में देख लेते हैं कितना है, तो किलोग्राम में हमारा कितना है 0.90, इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे 94/98 को, तो कितना आएगा हमारा, तो भाग करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 0.95। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 94/98 से भाग कर लीजिएगा, 0.95 आपको मिल जाएगा। नीचे क्या होगा, तो जीरो, ये यहां पर सही कर लीजिए, 0.090 है ना, ये करना है। तो चलिए इसको कर लेते 0.90, ये हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे यहां पर, फिर जो हमारा कर लेंगे 0.090 है ना। अब यहां से क्या कर लेंगे, तो ये हम पॉइंट के बाद संख्या बराबर नहीं, इसलिए जीरो बढ़ा लेंगे, या नीचे से पॉइंट हटाइए ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, अब इन ये वैल्यू हमारी बराबर हो गई, इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे हटा देंगे, 95 को 90 से भाग कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये 950 को 90 से आप डिवाइड कर लेंगे तो 10.55 आपको मिल जाएगा, यानी मोलरता जो आपकी आ जाएगी वो 10.55 आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। अगर मात्रक लिखना चाहे तो मोल प्रति किलोग्राम लिख दीजिएगा, मोलरता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो इस प्रकार से मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। देखिए मैंने यहां पर कुछ छोड़ा नहीं, एक एक स्टेप आपको बताया है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको मोलरता और मोलरता में संबंध बता देता हूं और उसके एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं मोलरता तथा मोलरता में संबंध। देखिए मोलरता मोलरता के संबंध का डेरिवेशन भी होता है, लेकिन डेरिवेशन आपसे कभी पूछा नहीं जाता है और ना ही पूछा जाएगा किसी एग्जाम में, क्योंकि डेरिवेशन हमें नहीं जानना है, उसकी आवश्यकता भी हमें नहीं, कहीं नहीं पूछा जाता है ना। लेकिन ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मान लिया अगर मोलरता और मोलरता दोनों को मिला करके क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, फिर आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है मोलरता और मोलरता में रिलेशनशिप का, मैं बता देता हूं। कैपिटल एम, कैपिटल एम से किसको लिखते हैं, मोलरता को, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। तो कैपिटल एम बराबर क्या है हमारा, डी। स्मॉल डी किसको कहते हैं, घनत्व को। हिंदी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, मोलरता बराबर घनत्व। स्मॉल डी क्या होता है, घनत्व होता है, और नीचे क्या हो जाएगा, वन अपॉन स्मॉल एम क्या होता है, तो ये है मोलरता, ये क्या है, मोलरता है। तो यहां पर मोलरता हो जाएगा प्लस विलेय का अणुभार। देखिए यहां पर हिंदी में लिखा है विलेय का अणुभार, अगर चाहे तो स्मॉल एम लिख सकते हैं, लेकिन डबल डबल स्मॉल एम हो जाएंगे, क्योंकि यहां भी स्मॉल एम है और यहां भी स्मॉल एम हो जाएगा। तो यहां पर अगर स्मॉल एम मान लीजिए आप लिख रहे हैं, तो यहां पर डैश वगैरह लगा लीजिएगा, या M1 M2 कर लीजिएगा कुछ, है ना। तो विलेय के अणुभार को स्मॉल एम से उसको भी लिखते हैं, तो वहां पर डैश वगैरह या 1 2 कुछ भी लगा सकते हैं समझने के लिए। और अपॉन में क्या है, ये 1000 है। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला मोलरता और मोलरता में है ना। तो ये मोलरता है, ये घनत्व है, ये मोलरता है, ये विलेय का अणुभार है, और ये अपॉन में क्या है, 1000 है। तो ये हमारा रिलेशन होता है मोलरता तथा मोलरता में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं एक सवाल की प्रैक्टिस आपको इस फार्मूले पर भी करवा देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं, अब मैंने क्वेश्चन ले लिया है मोलरता और मोलरता के रिलेशनशिप से, इस एक सवाल की प्रैक्टिस हम उस फार्मूले पर भी कर लेते, ताकि वो फार्मूला भी हमें क्लियर हो जाए और वो भी हम सीख जाएं। तो यहां पर देखिएगा सवाल क्या कहता है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक, NaCl के 3 मोलर, देखिए ये कैपिटल एम लिखा हुआ है, कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, सवाल में आपको मोलरता दी गई है, कैपिटल एम का मतलब मोलरता, स्मॉल एम का मतलब मोलरता। तो कैपिटल एम दिया गया है, 3 मोलर दिया गया है, है ना। विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स दिया गया, मिलीलीटर है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, देखिए मोलरता आपको दिया है और मोलरता फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो आप सीधे फार्मूले पर जाकर के उस फार्मूले को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन केवल आपको आनी चाहिए, फार्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फार्मूले से ये होगा
फार्मूले में हमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आप उसको करके भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बता देता हूँ, जर्नल मेथड, जिस मेथड से आप करेंगे और आसानी से आप कर सकते हैं, उससे मैं आपको करवा देता हूँ। क्योंकि फार्मूला देखो मैंने आपको बताया इसलिए दीजिए क्योंकि आपको जानकारी रहनी चाहिए। हमें क्या करना हो कि इस फार्मूले का यूज नहीं करना है, क्योंकि इस फार्मूले में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, या फिर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो सीधे आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं, वरना जर्नल मेथड से आप कितने भी कमजोर हो तो जनरल मेथड से आप सभी लोग उसको कर सकते हैं आसानी से, तो मैं उसको बता देता हूं। देखिए सवाल में क्या है कि सोडियम क्लोराइड का 3 मोलर विलयन है, ये मोलरता इसने दे दिया है हमें, कितनी मोलरता दी है 3 m, यानी मोलरता की वैल्यू 3 दे दी है। अब ये मोलरता होती क्या है, तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं 1 लीटर विलयन में। चलिए लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, सोल्यूशन में हम कर लेंगे, सोल्यूशन क्या है, मोलरता है। चलिए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे अणुभार। तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं, अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिख दूंगा लेकिन आपको समझ में आएगा सब कुछ, है ना, टेंशन ना लीजिएगा उसे। तो मोलरता क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर, कैपिटल में होगा मोलरता, क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, यहां पर होता है एम को नीचे ले लेते हैं जरा, तो एम इंटू वी, ये होगा मोलरता। मोलरता आपको सवाल में कितनी दी है, उसने 3 दिया है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हम विलय का द्रव्यमान या विलय का भार फाइंड कर लेंगे, है ना, क्योंकि आयतन कितना होगा 1 लीटर, यानी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। स्मॉल एम क्या है, तो विलय का अणुभार, सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना होगा, तो सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार होगा वो होगा 58.5, सोडियम का हो जाएगा 23 और क्लोरीन का हो जाएगा 36.5, दोनों को ऐड कर लीजिएगा आपको 58.5 यानी 58.5 आपको मिल जाएगा। तो मैं सीधे कैलकुलेशन यहां पर कर देता हूं, आप बाकी डिटेल में कैलकुलेशन अपने हाथ करते रहिएगा। तो यहां पर देखिए मोलरता कितनी दी है, मोलरता आपको दी है 3 m, यानी मोलरता की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। ये क्या है, तो स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार या द्रव्यमान, भार या द्रव्यमान कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे भार लिख लीजिए चाहे द्रव्यमान लिख लीजिए, दोनों बिल्कुल सही है। तो यहां मैं द्रव्यमान ही लिख लेता हूं, या आप भार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये द्रव्यमान हो गया, ये ऊपर क्या है आपका, द्रव्यमान हो गया, या इसको स्मॉल डब्ल्यू ही लिख लेते हैं ऊपर, स्मॉल डब्ल्यू। ये स्मॉल एम क्या है, तो विलय का अणुभार, विलय कौन है, NaCl, NaCl का अणुभार कितना होगा 58.5, ये कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, गुणे वी, वी का मान कितना होगा, तो वी का मान होगा 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहां पर देखिए मोलरता आपको दे दी है ना, तो मोलरता 3 m दे दी, मोलरता होती क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, तो 1 लीटर, देखिए आयतन आ गया ना कितना है 1 लीटर, यानी वी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करके वही रहेगा, तो हम यहां से W निकाल लेते हैं, यानी विलय का द्रव्यमान, जिसको हम स्मॉल W से लिखते थे, विलय का द्रव्यमान या विलय का भार, दोनों बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। तो विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल W बराबर, देखिए स्मॉल W निकालना, ये मल्टीप्लाई कर लेगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 और इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा विलय का द्रव्यमान, विलय कौन है NaCl, तो यहां पर लिख भी सकते हैं आपकी विलय कौन है हमारा NaCl है, है ना, विलय का द्रव्यमान कितना आपको दिया गया है NaCl है आपका, और ये द्रव्यमान आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, ये पॉइंट है आपका 58, ये इसका अणुभार हो गया, और ये क्या है 3 इधर वाला, तो इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया है यहां पर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको कितना 70.5, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 175.5 ग्राम, ये मिल गया आपको 175.5 ग्राम। तो ये हो गया विलय का द्रव्यमान। अब आपको क्या चाहिए, देखिए विलय का द्रव्यमान क्यों चाहिए, क्योंकि हमें मोलरता के फॉर्मूले में विलायक का द्रव्यमान रखना होता है, और विलायक का द्रव्यमान तभी पता चलेगा जब आपको विलयन और विलय का द्रव्यमान पता हो। तो अब हमने क्या किया है कि विलय का द्रव्यमान निकाल लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो विलयन के द्रव्यमान से विलय का द्रव्यमान घटा देंगे, तो विलायक का द्रव्यमान हमें मिल जाएगा। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है विलय का द्रव्यमान, अब हम विलायक का द्रव्यमान इस साइड में निकाल देते हैं, यहां पर विलायक का द्रव्यमान, तो देखिए अगर हमें विलयन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो आपने फार्मूला भी देखा, आपको घनत्व भी दिया गया 1.25, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, वही फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, किसका आयतन, तो आयतन आपको जो यहां से कैलकुलेट करना होगा, ये द्रव्यमान जो कैलकुलेट करना होगा वो 1 लीटर, 1 लीटर किसका, जो NaCl का विलयन है, इसका हमें द्रव्यमान
कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए यहां पर कर लेते हैं, क्या बनेगा हमारा द्रव्यमान, देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं, है ना, क्या लिख लेंगे कि एक लीटर विलयन का द्रव्यमान, एक लीटर विलयन का द्रव्यमान क्या बनेगा, तो घनत्व गुणे कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक लीटर विलयन का द्रव्यमान क्या, ये ऊपर जो द्रव्यमान है और ये जो आयतन है, तो द्रव्यमान कितने के लिए निकालना है, एक लीटर विलयन के लिए, है ना। आपको पता है कि जो हमारा ये कैलकुलेशन होता है, द्रव्यमान कितने लीटर में लिया जाता है, आयतन मोलरता आपको दी गई थी ना, तो मोलरता में आयतन कितना होता है, एक ही लीटर का होता है, तो एक ही लीटर में तो आपको द्रव्यमान निकालना होगा विलयन का, तो एक लीटर विलयन का द्रव्यमान घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। घनत्व कितना दिया गया है, 1.25, ये आपको दिया गया है। आयतन कितना होगा, तो एक लीटर का मतलब 1000 ml, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाई 1000, 1000 ml, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, 1250 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेट कर लिया हमने विलयन का द्रव्यमान, समझ में आ रहा है ना। एक लीटर क्यों किया, एक लीटर इसलिए किया है क्योंकि सवाल में मोलरता दी गई थी, और मोलरता किसमें होती है, एक लीटर में होती कि नहीं होती है, और एक लीटर को अगर एमएल में लिखोगे तो कितना लिखा जाएगा, 1000 ml, तो मैंने वही किया कि घनत्व पूरे 1000 कर लिया, है ना। तो यहां हो गया 1250 ग्राम। तो यहां पर हमने देखिए विलय का द्रव्यमान निकाल लिया और विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया। अब विलयन के द्रव्यमान से विलय का द्रव्यमान माइनस कर देंगे, हमें विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा, और फिर मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपका आगे कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूं। तो ये मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया, अब मुझे निकालना क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो हम लिख लेंगे, जैसे इसके पहले सवाल में भी मैंने विलायक का निकाला था, वैसे ही विलयन माइनस विलय, तो विलायक का द्रव्यमान यहां पर हम लिख लेंगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल डब्ल्यू से आप लिख भी सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, तो विलयन का द्रव्यमान माइनस क्या होगा, विलय का द्रव्यमान, तो माइनस हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, यानी विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का, विलयन का कितना 1250, तो ये कितना है आपका 1250 माइनस क्या कर देंगे, ये कर देंगे 175 पॉइंट, ये विलय का द्रव्यमान है, विलय का इनिशियल, तो 175.5 माइनस 175.5 कर देंगे। अब यहां से इसको क्या करना है, हमें माइनस कर लेना है, यानी ये जब माइनस करेंगे तो 1074.5 आएगा, तो 1074.5 ये किसका हो गया, द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान हो गया आपका विलायक का द्रव्यमान, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको द्रव्यमान किस में आया है, ग्राम में, और हमें रखना किस में है, किलोग्राम में रखना है ना, तो जरा देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, अगर किलोग्राम में हमें करना है तो क्या करना होगा, 1000 से भाग करना होगा, तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको मिटा लेता हूं मैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब ये सब हटा देते हैं हम, तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर लेंगे, देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.3 अंक बाई ओर क्या करेगा, खिसक जाएगा, यानी पॉइंट यहां से कहां जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा ना, 1 2 3 यानी 1 पॉइंट आ जाएगा आपका, 1.0745, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया ना। आप क्या निकालना, मोललता, आपको मोललता के लिए क्या होगा, मोललता का फॉर्मूला था कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, विलय के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, विलय कौन है, NaCl, तो हम जरा कर लेते हैं यहां पर कि विलय के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, विलय के मोल, तो मोल को लिखते स्मॉल एन से, तो मोल को लिख लेंगे स्मॉल एन से, मोल बराबर क्या, भार बटे अणु भार, तो भार बटे अणु भार, ये हो जाएगा भार बटे अणु भार, इतना दिया गया है हमें, तो जो आपका NaCl का हमारा जो भार दिया गया था वो आपने कितना निकाला था, वो निकाला था 175.5, अभी पीछे आपने निकाला है 175.5, यही निकाला है भार, आप देख लीजिएगा, अणु भार कितना होगा, 58.5,
58.5, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट के बाद अंक बराबर है संख्याएं, पॉइंट से पॉइंट क्या करेंगे हटा देंगे और ये लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हम ये जो है हमारा ये जो है ये तीन हाँ तीन बार में आपका ये पूरा कट जाएगा तो तीन आ जाएगा, आपका मोल कितना आ गया तीन। अब मोललता का फॉर्मूला लगा देते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। देखिए मैंने यहाँ पर आधा फॉर्मूला ये मोल लिख लिया, आप पूरा लिख लीजिए, विलेय का भार बटे भार स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, चाहे जिस तरीके से करिए आंसर सेम आएगा। तो ये क्या है मोल, मोल कितना निकाला मैंने तीन, यानी ऊपर आपका मोल कितना आया है तीन आया है, नीचे विलायक का भार कितना है, तो विलायक का जो आपका भार आया था वो कितना आया था, ये है 1.0745 किलोग्राम आया ना विलायक का भार, यहां से निकाला है विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, तो कितना है 1.0745। यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक दो तीन चार संख्या, चार जीरो बढ़ जाएंगे, दो तीन चार, इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.79, ये आ जाएगी आपकी मोललता। मात्रक अगर लिखना चाहे तो ग्राम प्रति, ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, मात्रक क्या होगा मोल प्रति किलोग्राम, यानी ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने आपको फॉर्मूला उसकी जो है सेकंड मेथड पर जो मैंने लिया था रिलेशनशिप उससे मैंने करके आपको समझा दिया। तो ये हमारा जनरल मेथड है, आप फार्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं लेकिन फार्मूले में बहुत कैलकुलेशन करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए देख और वाचिंग।